विभूति योग ये बता रहा है कि द्वेष त्याग के लिए विभूति योग है और भगवान में चित्त एकाग्र करने के लिए धारणा। अब साधक जब भजन करते हुए विराजमान है तो फिर उसे आरोप सिद्धा भक्ति जो है उनकी प्राप्ति होगी। भक्ति तीन प्रकार की, श्री उद्धव जी कह रहे हैं कि वर्णाश्रमाचार वताम सर्वेशां विपदां अपि यथानुष्ठीय मानेनो त्वय भक्ति नृणां भवे। सत्रहवें अध्याय में कि हे प्रभु कैसे आरोप सिद्धा भक्ति भक्ति में हितकारी है ये मुझे बताओ, इसके लिए श्री भगवान ने वर्ण आश्रम धर्म इनकी एक व्यवस्था भी स्थापित की और कहा कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति को कहीं अंत में सन्मार्ग को अपनाना चाहिए, सन्मार्ग को अपना करके चलेगा तो भक्ति करने में उसको अनुकूलता मिलेगी। भजन के लिए वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था वह भजन के अत्यंत अत्यंत अनुकूल है, ये भजन के प्रो है, एंटी नहीं है वर्णाश्रम व्यवस्था। और वर्णाश्रम व्यवस्था के आधार पर संसार में रहते हुए भी भजन किया जा सकता है, परंतु निष्काम भजन करने के लिए फिर संन्यास ग्रहण करके साधी साधक विराजमान होगा और इसके लिए फिर भगवान ने ये 17-18 दो अध्यायों में वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया। अब कह रहे हैं जो विद्याश्रम संपन्न 19 अध्याय में ज्ञानवान आत्मवान नानुमान कहा माया मात्र ज्ञात्वा ज्ञान चिन्मय संन्यासे, कि अब कोई व्यक्ति सन्यासी हो गया और सन्यासी होकर के उसने समाधि लगाई, माने ब्रह्मचारी और ये सब होते हुए अंत में सन्यास वर्ण आश्रम में, माने ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ होकर के सन्यास आश्रम में आया, समाधि लगाई और समाधि लगाते हुए समाधि में उसे ब्रह्म सबके भीतर विद्यमान है इसका अनुभव हो गया। तो जो विद्याश्रुत संपन्न 19 अध्याय का पहला श्लोक कि जो विद्याश्रुत संपन्न है, विद्या से युक्त है, आत्मवान, जिसने ब्रह्म का कहीं समाधि में दर्शन भी किया कि सभी वस्तुओं में मुझे ब्रह्म दिख रहा है, दिख रहे, और नानुमान कहा अनुमान नहीं कर रहा है बल्कि जिसने साक्षात अपरोक्ष अनुभव किया है। अनुभव दो प्रकार के, एक परोक्ष अनुभव एक अपरोक्ष अनुभव, ज्ञान मार्ग में अपरोक्ष अनुभव ही मुख्य माना गया है। तो जो अपरोक्ष अनुभव करते हुए विराजमान है ऐसे व्यक्ति को, अर्थात जिसने ब्रह्म का अनुभव कर लिया और शरीर का उसको ध्यान ही नहीं है, समाधि में ब्रह्म का अपरोक्ष अनुभव करते हुए जो विराजमान है, अपरोक्ष अनुभव होगा कब, जबकि ज्ञाता ये ज्ञान ये जो त्रुटि है इसका नष्ट होकर के भी जो ज्ञान विराजमान रहे उसका नाम है अपरोक्ष अनुभव। परोक्ष का मतलब है किसी दूसरी वस्तु के माध्यम से कोई वस्तु देखी जाए, ज्ञाता और ज्ञे इनके बीच में ज्ञान का पर्दा है, ज्ञान का पर्दा जैसे ही हटा ज्ञाता ही ज्ञे हो गया, दृष्टा दृश्य और दर्शन इन तीन के बीच में दर्शन का पर्दा है, दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन का पर्दा जैसे ही हटा उस समय दृष्टा ही दृश्य बन जाएगा और केवल दृश्य दृश्य मात्र रहेगा, ब्रह्म ब्रह्म मात्र रहेगा, उसकी फिर दृश्य संज्ञा नहीं रहेगी, उसकी ज्ञान संज्ञा ही हो जाएगी। ज्ञान के हटने पर दृष्टा दृष्ट और दर्शक इन तीनों की एक संज्ञा ही बचेगी, वो है दृश्य संज्ञा, नहीं दर्शन संज्ञा, दर्शन संज्ञा। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इनमें से ज्ञान का पर्दा जैसे ही हटा उस समय दृष्टा का दृष्टापन समाप्त, दृश्य का दृश्यपन समाप्त, ज्ञेय का ज्ञेयपन समाप्त, ज्ञाता का ज्ञातापन समाप्त, फिर एक संज्ञा रहेगी बोलेगी ज्ञान, उसी ज्ञान को हम ज्ञप्ति भी कह सकते हैं, जैसे अभी अभी बताया पाचन और पत्ति, ऐसे ही जानना और ज्ञप्ति
जाएगी। तो उस समय ज्ञानम चिन्मय संगे से एक भक्ति ज्ञानी ज्ञान का भी से भी संन्यास ले लेगा, और ज्ञान से संन्यास लेने पर केवल ब्रह्म का ही एकमात्र ध्यान करते हुए विराजमान होगा। वो जो अपरोक्ष अनुभव की स्थिति है उसमें ज्ञाता ज्ञानी रहा, इसी को साथ में इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि तय धवाश्वेत विधाधिकारो। ये जो श्लोक है ये एक श्लोक में पूरे ज्ञान का वर्णन करने वाला श्लोक है, ज्ञान के परम फल का वर्णन करने वाला। ऐसे साधक जब विराजमान होगा, अब इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए निर्विकल्प स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग की जरूरत है। योग के लिए अष्टांग जो योग, उसमें यम नियम आसन और इनमें फिर भगवान ने वर्णन किया है। ये 19वें अध्याय में ही उसने पूछा कितने क्या क्या चीज है, कौन कौन है, इनका सत्ता मेरे सामने लक्षण वर्णन करो। तो भगवान ने 12 यम और 12 नियम इनको बताए। यम के द्वारा ज्ञान इंद्रियों को वश में किया जाएगा, नियम के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में किया जाएगा। फिर अर्जुन ने श्री उद्धव जी ने कई प्रश्न किए कि मारे शम किसको कहेंगे। 36वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि मुझ में बुद्धि का लगना यही शम है। वो दम किसका नाम, बोले इंद्रियों को भस्म करना इसका नाम दम। तितिक्षा किसका नाम, बोले दुख सहन करना टॉलरेंस, इसका नाम हो गया तितिक्षा। बोले शूरवीरता किसको कहेंगे, बोले अपने स्वभाव को जीत लेना। 37वें श्लोक फिर कह रहे हैं कि धन किसको कहेंगे, 39वें श्लोक में कह रहे हैं कि धर्म इष्ट धनम, इष्ट ही मुख्य धन है। 39वें श्लोक फिर दक्षिणा किसको कहेंगे, बोल ज्ञान दक्षिणा ज्ञान संदेशा। क्या बात, किसी को ज्ञान उपदेश कर दिया जाए इससे बढ़कर के कोई दक्षिणा नहीं है। क्या संतों से गुरुदेव से ज्ञान प्राप्त हो जाए ये सबसे बड़ी दक्षिणा है। बोले लाभ क्या है, 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि मेरी भक्ति ही लाभ है। बोले सुख क्या है, सुख की परिभाषा डेफिनेशन, तो सुखम दुख सुखाते हैं, दुख और सुख इन दोनों से परे हो जाना यही सुख है। बोले पंडित कौन है, बोले पंडित तो बंध मोक्ष में, जो बंधन और मोक्ष को जानता है, काय से मुझे बंधन होगा काय से मोक्ष, वो पंडित है। दुख क्या है, बोले दुखम काम सुखापेक्षा, बोले मुझे संसार के सुख मिल जाए ये सबसे बड़ा दुख है। क्या परिभाषा है, बोले मूर्ख कौन है, मूर्ख की परिभाषा भगवान दे रहे हैं, मूर्ख और देहा देहा बुद्धि, जिसकी देह में अहम बुद्धि है, मैं देह हूं वो मूर्ख है। और पंडित कौन है, बोले मोक्ष धर्म को जानने वाला उसका नाम पंडित है। बोले स्वर्ग क्या है, बोले मन का सत्व गुण में स्थित होना तो समझना चाहिए इस समय मैं स्वर्ग में हूं, और मन का क्रोध तमोगुण में युक्त होना तो समझना चाहिए इस समय मैं नरक में हूं। घर किसका नाम है, भगवान उत्तर दे रहे हैं ग्राम शरीर मनुष्य, ये मनुष्य देह ही घर है। कहीं भी ले जाओ तो जाने के लिए गर्म कपड़ा चाहिए, सोने के लिए पलंग चाहिए, खाने के लिए थाली भी चाहिए, तो इस शरीर के साथ में पूरा घर इकट्ठा करना ही पड़ेगा। ग्राम शरीर मनुष्य, मनुष्य घर का शरीर ही घर है। बोले दरिद्र कौन है, दरिद्र की डेफिनेशन, बोले दरिद्रो यो या तू असंतुष्ट, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है, उसके पास में बैंक बैलेंस नहीं माना जाएगा, जो असंतुष्ट है वो दरिद्र है। और जो गुणाद्यो याद्य उच्चते, 43वें श्लोक में अंत में कह रहे हैं कि जिसमें गुण विद्यमान है वही धनवान, भक्ति का गुण विद्यमान। कृपण कौन है, बोले जिसने इंद्रियों को नहीं देखा, इत्यादि इत्यादि। और अंत में एक लक्षण दिए कि गुण दोष दिशा दृष्टि,
गुण दोष को देखना यही दोष है। और गुण क्या है? बोले किसी में न गुण देखना न दोष देखना, यही एक सबसे बड़ा गुण है। क्या बात है? तो गुणस्तु उभय वर्जिता, गुण दोष की दृष्टि होना ही नहीं, यही सबसे बड़ा गुण होकर के विराजमान है। अब ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीन योग हैं। इन तीन योगों में जो भक्ति योग है वही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है। और सत्रहवें श्लोक में, बीसवें अध्याय में बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं कि निर्देह माध्यम सुलभम सुदलभम क्लव, मनुष्य शरीर ही एक बड़ी बहुत बढ़िया मजबूत नौका है। अब नौका हुई परंतु मलदार नहीं हुआ तो ना डूब जाएगी, कितना भी बढ़िया हो मल्ला तो चाहिए। तो गुरु कर्णधार, गुरु जी ही इस पर कर्णधार। अब नाव भी हुई कर्णधार भी है परंतु यदि स्टॉर्म आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, वो तूफान आ रहा है तो नाव भी डूब जाएगी, बेचारा क्या करेगा? कैप्टन जहाज का क्या कर सकता है? यदि स्टॉर्म में फंस गई कहीं तो समाप्त हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं मयान कूले नवस्वरे विकल, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। ऐसी तीनों वस्तुओं को प्राप्त करके जिस व्यक्ति ने इस संसार समुद्र को नहीं तरा वो आत्महार होकर के ही विराजमान है। ऐसे ये कहा। फिर आगे ये कहा कि व्यक्ति को अपने अपने अधिकार में रखना चाहिए। यदि व्यक्ति में वैराग्य उत्पन्न हो गया है तो वो ज्ञान का अधिकारी है। यदि उसमें वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ है तो वह कर्म का अधिकारी है। कर्म मार्ग वर्णाश्रम धर्म का उसे पालन करना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि संसार से निवृत्त तो है नहीं और ज्ञान भी आया नहीं, दोनों स्थिति। संसार की आसक्ति तो छूटी नहीं है और ज्ञान अभी आया नहीं है। ऐसे जो बीच वाले जन हैं, उनके लिए तो एक ही मार्ग है, वो मार्ग है न निर्विण्णो नाथ सकता भक्ति योगो से सिद्धता। जो न निर्विण्ण है न अत्यंत अत्यंत आसक्त हैं, उनके लिए एकमात्र भक्ति योग जो है वही एकमात्र सिद्धि को प्रदान करने वाला होकर के विराजमान है। ये भगवान ने गुण दोष के भीतर ही ये निरूपण किया। पहले एक तत्व का निरूपण किया था, ज्ञानियों के लिए सांख्यों का निरूपण किया था और फिर अंत में ये कहा कि गुण योग वो भक्ति योग सबके लिए उपयोगी है। और इसी भक्ति योग में श्री भगवान आगे 23वें अध्याय में एक बात कह रहे हैं बड़ी जोरदार, वो ये कि साधक को कहीं विवेक धारण करना चाहिए। कष्ट जब आए तो विवेक के द्वारा कष्ट को भोगने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अवंतीपुरी में एक ब्राह्मण था, पहले बड़ा लोभी था, किसी का उसने सत्कार किया नहीं, उसका सारा धन नष्ट हो गया। जब वो सन्यासी हो गया तो लोग उसको कष्ट देने लगे। उस समय उसने एक गीत पढ़ा कि नायन जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गुण कर्म काल मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परवर्ते इति। कि सुख दुख का कारण है अपने आप को मन के पराधीन कर देना। यदि व्यक्ति ने मन को जीत लिया तो वह विवेक के द्वारा ही प्राप्त करेगा कि मुझे सुख दुख की प्राप्ति नहीं है। समाप्त कर रहे हैं बस दो तीन मिनट में कि एक स्कंद समाप्त हो जाए, क्रम पूरा हो जाए। नायन जनों में सुख दुख के हेतु यदि ये विचार किया जाए कि शरीर सुख दुख का कारण है तो वो ब्राह्मण विचार कर रहा था यदि शरीर सुख दुख का कारण है तो मेरा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ और ये जो मेरे बैरी मुझे पीट रहे हैं ये भी तो पंच महाभूत के बने हैं, तो शरीर को कष्ट दे रहा है, मुझे आत्मा को कष्ट थोड़ी दे रहा है। इसलिए ये तो वही वाली बात हुई कि कभी अपने दांत से अपनी जीव कट जाए तो दांत को तोड़े कि जीव को मरोड़े।
शरीर शरीर को तो कष्ट दे रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, इसलिए मैं क्यों दुख मानू। देवेंद्रवन को शरीर को कष्ट और वो बदला नहीं देता है उनसे। यदि ये कहा जाए कि देवता सुख दुख को देने वाले हैं तो वो सन्यासी, वो भिक्षु तितिक्षु ये विचार कर रहा है कि हाथ का देवता कौन है, बोले इंद्र, और सिर का देवता कौन है, बोले प्रजापति। अब यदि किसी शत्रु ने, बदमाश ने, डाकू ने हाथ में रथ लेकर के मेरे सिर को फोड़ा तो मैं ये भी तो कह सकता हूं कि इंद्र ने प्रजापति को मारा, मुझे थोड़ी मारा, मैं क्या दुख हूं, देवता देवता को दुख दे रहा है। अब यदि कोई ये कहे कि आत्मा सुख दुख का कारण है तो वो विचार करता है जैसे अग्नि का ताप अग्नि को नहीं कभी लगेगा, यदि दुख आत्मा का स्वरूप होता तो जैसे अग्नि का ताप अग्नि को नहीं जलाता है, तो ऐसे संसार का सुख या संसार का दुख आत्मा का स्वरूप ही यदि होता तो उसको नहीं जलाता। आत्मा तो इनसे भिन्न है इसलिए ये आत्मा को जला ही नहीं सकते हैं, ये कुचालक हैं, सुचालक नहीं है, इसलिए मैं क्यों दुख हूं, आत्मा मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। अब यदि कोई ये कहे कि ग्रह दुख को देने वाले हैं जन्म पत्री के, तो ज्योतिष की दृष्टि से पूछा जाए तो ज्योतिषी ये कहेगा कि यहां पर शनि चंद्रमा को क्रूर दृष्टि से देख रहा है, तो देखने को शनि चंद्रमा को देख रहा है, मेरी आत्मा को थोड़ी देख रहा है, मैं कहे को दुख हूं, देख भैया तू खूब देख, मैं उससे जरा भी प्रभावित नहीं। ऐसा विचार करके वो अपने आप को बिल्कुल तटस्थ रखता है। यदि कोई ये कहे कि काल सुख दुख का हेतु है तो वो कहेगा अरे काल दुख दे रहा है, काल स्वयं जड़ है, भगवान की शक्ति है, मैं भी भगवान की शक्ति हूं, तो भगवान की शक्ति, भगवान की शक्ति को काल को दुख देगी, मैं वो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, इसलिए काल जड़ है वो नहीं दे, इसलिए सुख दुख का कारण केवल मन ही है, इस मन को मैं कृष्ण के चरणारविंद में लगा। फिर ज्ञान योग का वर्णन किया। अब भगवान बोले से उद्धव ने कहा बोले आपने अभी तक जो बात कही, जो ज्ञान योग की जो बात कही कि सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करे, ये तो बड़ा कठिन है, मुझे तो अपने मिलने के कोई सरल उपाय बताओ। तो अंत में जाकर के एक त्रिश अध्याय में ये तितिक्षा योग में मन को कैसे समझाया ये वर्णन किया, फिर इसके बाद में मन को एकाग्र करने के लिए पूजा प्रकार उसका वर्णन किया, जो वैराग्य है उसको धारण करने के लिए ऐन गीत का वर्णन किया। ये तीन अध्याय बीच में गए और इनके बाद में फिर जब ज्ञान योग का वर्णन किया बोल मारे ये ज्ञान योग तो बड़ा कठिन है, हमको तो अपने मिलने के सरल उपाय बताओ जी। ये उद्धव ने पूछा, भगवान कह रहे हैं उद्धव अभी तक मैंने तेरे सामने पंचायत की बात की, अब तुझे अपने मिलने के सरल उपाय बताता हूं। कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि 29वें अध्याय से भगवान के ये वचन शुरू हुए हैं, ये हंतते कथिष्यामि मम धर्मान् सुमंगलम् आत्मा श्लोक 29वां अध्याय आत्मा श्लोक। यहां पर भगवान ने चार निष्ठाएं बताई हैं। सबसे पहले धाम निष्ठा, पवित्र धाम में रहे या अपने घर को ही ये समझे कि ये वृंदावन यहां पर आ रहे, ठाकुर जी जो घर में विराजमान है मेरा घर वृंदावन है ऐसा विचार करके रहे। दूसरी बात ये वैष्णव निष्ठा, श्री गुरुदेव के चरणों का आश्रय, वैष्णवों का संग प्राप्त करते हुए रहे, वैष्णव निष्ठा। फिर तीसरी स्वरूप निष्ठा, इनको धारण करके रहे, माने अपने चित्त को भगवान में एकत्रित करने के लिए कहीं स्वरूप सेवा घर में स्थापित करके रहे। और चौथी चीज नाम निष्ठा, मेरी जो कथा है उसको श्रवण करता रहे। वो कह रहे हैं दसवें श्लोक में देवासु मनुष्येषु मत भक्त चरित्रांच, मेरे और भक्तों के जो चरित्र हैं उनको सुने। ये धाम निष्ठा, वैष्णव निष्ठा,
पुण्यादेशा संशय तो ये धाम निष्ठा हो गई, फिर मत भक्त साधु ने ये वैष्णव निष्ठा हो गई, फिर मत भक्त चरताली चौ ये नाम निष्ठा हो गई, फिर मामे सर्वभूतेषु मुझ में ही मेरे स्वरूप को सर्वत्र दर्शन करे और शिव ग्रह की आराधना करे, ये शिव ग्रह की स्वरूप निष्ठा होकर के विराजमान हुई। चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थी, चार निष्ठा अपनाएगा तो ठाकुर मिलेंगे, नहीं तो ठाकुर नहीं मिलने वाले। कितना भी वेश धारण कर लो, कितनी भी जटाएं बना लो, धाम निष्ठा होनी चाहिए, नाम निष्ठा होनी चाहिए, गुरु वैष्णव निष्ठा होनी चाहिए और भगवत स्वरूप में निष्ठा होनी चाहिए। ये चार निष्ठाएं तो सब कुछ मिलेंगे। ऐसा बुद्धिमत्ता बुद्धि, ये बुद्धिमानों की बुद्धि है। उद्धव जी को आपने ज्ञान उपदेश दिया, उद्धव जी उस समय बदल आश्रम धाम में पधारे, भगवान अपने धाम को पधारे, फिर कलयुग के जितने भी जीव हैं उनके राजाएं हुए, कलयुग के धर्म हुए, वेदों के विभाग का वर्णन किया गया और श्री परीक्षित महाराज उनकी भगवत प्राप्ति हुई। सुखदेव जी ज्ञानोपदेश देकर के पधारे, परीक्षित महाराज को उस समय भगवत प्राप्ति हुई, जन्मेजय ने यज्ञ किया, फिर वेदों के विभाग के अंतर्गत, फिर पुराणों का, पुराणों के चरित्र के अंतर्गत परीक्षित मार्कण्डेय मुनि उनके चरित्र का, मार्कण्डेय पुराण के चरित्र का भी शौनकादि ऋषियों ने श्रवण किया, क्योंकि ये इनके वंश में उत्पन्न हुए थे। श्री तांत्रिक की परिचर्या का वर्णन करके श्रीमद् भागवत के अनुक्रमण का वर्णन की और श्रीमद् भागवत की अपूर्वता निरूपण की और अंत में श्रीमद् भागवत वे नाम और प्रणाम इन दो साधनों को प्रदान करके श्री गोविंद चरणारविंद में भक्ति की प्राप्ति हो। भवे भवे यथा भक्ति पादिवस्तव जायते तथा पुरुष देवेश नाथ स्कंदो यथा प्रभो, जन्म जन्मांतर में आपके चरणारविंद में ही भक्ति की प्राप्ति हो। बोलो वृंदावन बिहारी नाम संकीर्तन यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणाम शमनः तन्नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी श्री गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण गोविंद जय श्री राधा रमण गोविंद जय निताय गौर हरि आनंद आ गया जय जय राम।